श्योर मिस्टर रघुवंशी. हाय. क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, बेबी परेशान कर रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है. मुझे लगा थोड़ी बात करूं आपसे, शायद आज के बाद ऐसे दोबारा वीडियो कॉल करने का मौका नहीं मिलेगा. अमृता को एक नानी मिल गई है. अरे वाह, पर आप खुश नहीं है राइट? क्योंकि आपका पार्ट टाइम जॉब चला गया, बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने की खुशी नहीं मिलेगी आपको. मुझे छोड़ा नहीं जा रहा कथा, मन तो कर रहा है कि कीत और अमृता को अपने घर शिफ्ट कर लूं. इससे अच्छा एक और आइडिया है, आप ही रोज चले जाइएगा उनके घर, बेबी भी आपको मिस करती होगी. करना तो चाहिए ना, वैसे आपके सारे टिप्स मैंने अपना लिए. जब जब मेरे पास आती है तो बहुत कम रोती है, बट मेरा टच पहचाने लगी, दैट्स व्हाट आई फील. शी इज स्माइलिंग. हाय बेबी. हाय नीना, मस्ती कर रहे हो आप? I think वो एक्चुअली वार्निंग स्माइल थी. लगता है बेबी का डायपर चेंज करने का वक्त हो गया. चलिए, आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई, अब आप भी समझने लगे हैं बेबी के हंसने और रोने का मतलब. ओके देन. या या बाय. सॉरी सॉरी. बाय बाय बाय. कविता, अब तुमने मुझसे बातें छिपानी शुरू कर दी हैं. क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने क्या छुपाया आपसे? योहान की वैक्सीनेशन वाले दिन तुम हॉस्पिटल में व्यान से मिली थी. हाँ, बाय चांस मिल गया था वो वहाँ. और तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा. पूछ सकता हूँ क्यों? कैलाश, बात इतनी सी आप... मिलना बड़ी बात नहीं है, हाय हेलो करना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी तुम्हारी उससे बात हुई जिसके बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया. कैलाश, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? कविता, हमारी उससे सिर्फ पहचान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. तो बात करने जैसा था क्या? अगली बार अगर वो तुमसे मिले या बात करे तो मुझसे कुछ मत छिपाना. कथा के पास तो ऑप्शन नहीं है, उसे मिलना पड़ता है रोज उससे ऑफिस में, लेकिन तुम्हारा उससे मिलना या बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. और तुम जानती हो ना, एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे उस लड़के पे. मर्दों की नीयत मैं अच्छे से जानता हूं, इसलिए अगर आज के बाद वो तुमसे मिलता है या बात करता है तो सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए. करण, ये ले मेरा स्पेशल बैट, आज तो तेरी सेंचुरी पक्की है. थैंक्स यार, मेरे बैट का तो आज मॉर्निंग प्रैक्टिस में हैंडल ही टूट गया. एक काम कर, जब तक चाहिए तब तक रख ले. ओके, थैंक्स बड़ी. एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बोल. आज मम्मी और पापा पीटी ग्रुप में स्कूल में स्विमिंग क्लासेस शुरू करने का सजेशन डालने वाले हैं. वाओ, ये तो बहुत मस्त आइडिया है यार, और स्कूल अथॉरिटीज मानेंगी? यूनिटी इज स्ट्रेंथ ब्रो. मम्मी और पापा मिलके बोलेंगे ना, हो जाएगा. अच्छा एक बात बता, ग्रुप सिर्फ इनविटेशन से ज्वाइन कर सकते हैं ना? मतलब अगर किसी को इनविटेशन मिले और वो उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा ना, सिर्फ पेरेंट नंबर के नाम से? हाँ, किसी का नाम तो नहीं दिखता, बस पेरेंट्स और टीचर्स के नंबर लिखे आते हैं. और अगर किसी को ऐड करवाना हो तो कौन कर सकता है? ग्रुप का कोई भी करेंट मेंबर, सब एडमिन है. ओके, मेरी एक छोटी सी हेल्प करेगा? हाँ बोलना. देख, मेरा एक दोस्त है रॉबिन, मास्टर प्लान ब्रो. चल. हेलो आंटी,
हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। क्या तूने रॉबिन अंकल को ऐड करा है पीटीए ग्रुप में? ओह नो, ये तो मैं भूल ही गया। यार तू रॉबिन अंकल को ऐड करा है ना, कैसे भूल सकते हैं, कितनी हेल्प करते हैं वो हमारी। मॉम प्लीज ऐड करा दो रॉबिन अंकल को पीटीए ग्रुप में, वो हमारे स्कूल के लिए बेस्ट सजेशन देंगे। कौन रॉबिन अंकल? अरे मॉम, रॉबिन अंकल जिनके सजेशन से स्कूल कंपाउंड में इतने कैमरास लगे और ड्रॉप और पिक में पेरेंट्स के लिए आईडी कार्ड कंपलसरी हो गया। ओह प्लीज उन्हें जल्दी ऐड करा दो, हर पेरेंट का ग्रुप में होना जरूरी है ना। अच्छा जल्दी नंबर दो प्लीज। लिखिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।